वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस हम लोग आज स्टडी करेंगे क्लास इलेवेंथ का चैप्टर बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन उसमें कुछ टॉपिक हम लोग की स्टडी कर चुके हैं कुछ टॉपिक की स्टडी आज हम लोग करेंगे इसमें आपका आता है सर्कुलेटरी पाथवे जैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों की बॉडी में सर्कुलेशन होता है प्लांट्स की बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन होता है तो ये सर्कुलेशन कैसे होता है उसी चीज़ की स्टडी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे में देखिए अगर हम सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो हमारे बॉडी का या आप बर्टिवरेट्स की बॉडी का जो सर्कुलेटरी पाथवे है मेनली इस टॉपिक में आपका जो चैप्टर है इसमें मेनली सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ते हैं एनिमल्स का तो अगर हम एनिमल्स के सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो ये टू टाइप का होता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे है ये ओपन वे में है क्लोज का क्या है कि ये वेसल्स के बीच में ब्लड का फ्लो होगा जैसे देखिए दोनों में सिमिलैरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों देखेंगे हार्ट की पंपिंग कौन करता है पंपिंग करने का काम कौन करेगा तो हार्ट में होगा दोनों जगह से पंपिंग करने का काम कौन करेगा हार्ट करेगा ठीक यहां से हार्ट से जब ब्लड फ्लो हो जाएगा या जो भी बॉडी फ्लूड होगा वो फ्लो हो जाएगा तो इस वाले में आपका पंप होने के बाद कहाँ जाएगा पंप्ड Pump, होने के बाद लार्ज वेशल में जाएगा पंप्ड होने के बाद आफ्टर पंपिंग लार्ज वेशल में ये एंट्री करेगा ठीक है लार्ज वेसल्स में एंट्री करेगा और लार्ज वेसल्स में एंट्री करने के बाद ये जाएगा ओपन सैक में ओपन सैक में या इसी को बॉडी फ्लूट्स इसी को बॉडी कैविटी भी बोलते हैं ओपन सेक्स आर बॉडी कैविटी यहां पर यह बॉडी कैविटी में फ्लो होता रहता है ठीक है ये यहां पे चला जाएगा और यहां पे हर्ट के पंपिंग के बाद यहां पर क्लोज्ड वेसल्स होती हैं जिन क्लोज्ड वेसल्स में क्लोज्ड वेसल्स कह लें या अगर बैमल्स के केस में हम लोग अपने केसेस में बात करें तो ब्लड वेसल्स कह लें देखिए क्लोज्ड वेसल्स हो गया या इसी को ऑब्लिक लगा के हम लोग बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स अब ब्लड वेसल्स में कौन सी चीज़ आएंगी ब्लड वेसल्स में क्या क्या आएंगे ब्लड वेसल्स में आपका आता है जैसे आर्टरीज है वेन्स है वेन्यूल्स है कैपिलरीज है ये सब आपका ब्लड वेसल्स में आएगा तो ये आपका हो गया टू टाइप से अब इसके एग्जाम्पल अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल देखें तो इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा आर्थोपोट्स आर्थोपोडा जो होंगे वो आपके आएंगे इसमें और इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा मोलस्क का एग्जाम्पल और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा एनीिलिट्स ठीक है एनीलिडा के जो मेंबर होंगे वो आएंगे और आपके कॉर्डेट के मेंबर आएंगे कॉर्डेट्स यहाँ पर जो कॉर्डेट्स होंगे उनके मेंबर आपके आएंगे तो ये आपका सर्कुलेटरी पाथवे हो गया कि बॉडी में किस तरह से सर्कुलेटरी पाथवे का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि हमारी बॉडी में जैसे बहुत सारे हारमोन्स हैं गैसियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन लेना है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है या जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है जैसे हम लोग अपनी बॉडी की बात करें लीवर में अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है सेल में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे लंग्स तक पहुंचेंगी गैसेस एक्सचेंज के लिए वो कैसे किडनी तक पॉइजनस सब्सटेंस निकलेगा बाहर जाने के लिए इसका जो पूरा डिपेंडेंसी होती है दैट इज़ द दैट इज द डिपेंडेंट ऑन द सर्कुलेटरी पाथवे कि पाथवे में फ्लो होता रहता है पाथवे में आ, जो हम हम लोगों की बॉडी की ब्लड वेसल्स और आर्टरीज हैं इसमें क्या होता है कि कैनाल सिस्टम होता है जहाँ पर भी जैसे मान लीजिए कि इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइन है वहां पर ब्लड बेसिल्स बहुत सारा जाल है वहां पे क्या होगा फूड का एब्जॉर्बशन हो जाएगा और फूड एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा यही मेन फंक्शन होता है सर्कुलेटरी पाथवे का ठीक है अब सर्कुलेटरी पाथवे में जो मे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो है आपका हर्ट वो आपका क्या है वो आप है आपका हर्ट तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बर्टिब्रेट्स में ये हर्ट की हर्ट कैसे फंक्शनल होता है और कितने टाइप का हर्ट होगा और हर्ट में भी और क्या क्या पार्ट्स होंगे तो अगर हम बर्टिब्रेट्स के हर्ट को डिवाइड करें बर्टिब्रेट्स हम हर्ट मेनली बात करेंगे यहाँ पे बर्टिब्रेट्स जो आपकी बुक में है बर्टिब्रेट्स ठीक है बर्टिब्रेट्स के अगर हम हर्ट की बात करें तो इसमें पहला आता है टू चैम्बर्ड हर्ट टू चैम्बर्ड ठीक है, टू चैम्बर्ड हर्ट जो होगा ये आपका प्रेजेंट होता है फिस में, two chambered heart पाया मॉडल है है का जब हर्ट में टूटर्ड होंगे तो वन ऑट्रियम एंड वन वेंट्रिकल्स होगा तो इसमें इसका जो ब्लड फ्लो होता है वो मिक्स टाइप का ब्लड होता है दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक में मिक्स होकर के फ्लो होता रहता है ठीक है इसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता मिक्स टाइप का ब्लड जो होता है फ्लो होता है दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का ब्लड उसके बाद आपका आता है थ्री चैम्बर्ड हर्ट थ्री चैम्बर्ड हर्ट अगर हम थ्री चैम्बर्ड हर्ट की बात करें तो थ्री चैम्बर्ड का जो आपका हर्ट होता है ये आपका आता है एम्फीवियन में और रेप्टाइल्स में एमफीबियन एम्फीवियन में आता है और दूसरा आपका आता है रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स में भी किसको छोड़ के रेप्टाइल्स में आपका आता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ये एक इसका एक्सेप्शन है इसमें आपका क्या हो जाएगा टू ऑट्रियम एंड वन वेंट्रिकल टू ऑट्रियम एंड वन वेंट्रिकल इसके बाद आपका आता है थर्ड टाइप फोर चैम्बर्ड हार्ट फोर चैम्बर्ड हर्ट फोर चैम्बर्ड हर्ट आपका आता है एवीज में. एवीज means birds and mammals, और जिसमें हम लोग आते हैं मैमल्स में आता है तो इसमें क्या हो जाएगा two, इसमें भी two, two and two ventricles, and two ventricles. इस तरह से हम ब्लड को डिवाइड कर दे सॉरी इस तरह से हम हर्ट को डिवाइड कर देते हैं अब देखिए जरा हम लोग <coughs> जैसे जिसमें टू चैम्बर्ड है तो उसकी तो कोई बात नहीं एक ही ऑट्रियम एक ही वेंट्रिकल है लेकिन जिसमें ये इस तरह का आ, आपका फोर चैम्बर्ड है फोर में क्या होता है कि पूरा हार्ट अगर हम इस तरह से इसको ब्रैकेट में डिवाइड करें तो ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है फोर पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है ठीक है फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये आपका ऊपर वाला हो जाता है लेफ्ट ऑर्ट्रियम बिलो लेफ्ट वेंट्रिकल एयर इज द राइट ऑर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल दिस इज द राइट वेंट्रिकल इधर आपका होता है इन लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स यहाँ पर हर्ट से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से यहाँ वाल्व लगे होते हैं और इस वाल्व से इधर की तरफ ट्रांसफर होता है और यहाँ से पाइपें लगी होती है जो पूरी बॉडी में सप्लाई होती हैं और इधर यहाँ पर जो आपका राइट ऑट्रियम है यहाँ पर आपका होगा डी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर क्या होता है कि पूरी बॉडी की सप्लाई जो बाद में बॉडी से आता है तो बॉडी का पूरा ब्लड यहां पे आता है और यहाँ पर थ्री ट्राई कस्पिड लगे होते हैं यहाँ पर बाई कस्पिड या माइटल वाल्व लगे होते हैं और यहाँ से ये ब्लड जो होता है ये चला जाता है लंग्स में यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में और यहाँ से ब्लड जाता है ब्लड बॉडी में बॉडी के अदर पार्ट्स में ठीक है तो ये आपको ये समझ में आया होगा आइए अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा कार्डियक सर्कुलेशन पाथवे सर्कुलेशन पाथवे में हम लोगों ने हार्ट के बारे में स्टडी की अब ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं देखिए पहले हम लोग हार्ट के ये आपका टी एस सेक्शन ऑफ हार्ट है तो इसमें हार्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं पहले उसके बाद हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शन की देखिए अगर हम बात करें तो हर्ट में आपकी दो चीजें चार पार्ट होते हैं जैसे नंबर एक पार्ट आपका ये हो गया नंबर टू नंबर थ्री और नंबर फोर ठीक है ये बीच से हर टू पार्ट में डिवाइड होता है लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दैट मीन्स इधर की अगर हम बात करें तो लेफ्ट पार्ट हो गया और ये राइट पार्ट हो गया ठीक है तो राइट वाले में ये ऊपर वाले को ऑट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल ये ऊपर वाले को ऑट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल तो जो राइट साइड में ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल होता, होता है तो चार चैम्बर हो गए जो हमारा हार्ट है इसमें चार चैम्बर हो गए ये मेन चैम्बर होते हैं उसके बाद फिर आता है यहां पर वॉल्व यहां पर आपका वॉल्व आता है जो आपका लेफ्ट होता है पार्ट लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो हार्ट होता है इसको बोलते हैं बाइक स्पिट वॉल्व इसको बोलते हैं बाइक स्पिड वॉल्व और ये आपका जो राइट right वेंट्रिकल और राइट right आर्ट्रियम और राइट right वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं ट्राइक स्पिट वॉल्व ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व होता है इसको माइटल वॉल्व भी बोलते हैं ये वाल्व क्या करता है कि आट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड तो जा सकता है लेकिन वेंट्रिकल से ऑट्रियम में नहीं जा सकता है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम लोगों में सिंगल साइड ओपन होने वाला डोर होता है कि एक साइड में ओपन हो सकता है लेकिन बैक साइड में ओपन नहीं हो सकता है सिंगल पाथवे देता है है इस तरह से फंक्शन बनाने का रीजन कि यह सिंगल पाथवे यहां पर जनरेट होता है अब आगे आइए हम लोग देखते हैं इसमें और क्या चीजें होती हैं जैसे ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ये इस तरह से लेयर जैसी बनी हुई है तो हमारा जो हर्ट होता है एक पेरिकार्डियम नाम की लेयर होती है जो हमारा हर्ट है इसमें एक पेरिकार्डियम देखिए कार्डियम वर्ड आता है ये आपका आया पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम ठीक है कार्डियम जो वर्ड आता है ये कार्डियम वर्ड रिलेटेड होता है हर्ट से ठीक है तो इसके चारों तरफ एक झिल्ली जैसी डिजाइन होती है कार्डियम पेरिकार्डियम इसमें क्या होता है कि पेरिकार्डियल कार्डियल फ्लूड भरा हुआ होता है इसके अंदर पेरिकार्डियल कार्डियल फ्लूड भरा होता है जिससे हर्ट बार बार हर्ट क्या होता है हर्ट छोटा बड़ा होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होना होता रहता है तो जिससे इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए इसलिए हर्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम की लेयर होती है और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूड फिल्ड होता है ठीक है अब यहाँ पर और बात करते हैं कि जो आपका रा, रा, राइट वेंट्रिकल है और राइट ऑट्रियम है राइट वेंट्रिकल से क्या काम होता है पूरी बॉडी से जो हमारा ब्लड आता है पूरी बॉडी से जो हमारा ब्लड आता है इसी से हमारा ब्लड जो होता है वो इंटर कर जाता है इस आर्ट्रियम में ठीक है जो हमारी बॉडी से पूरा ब्लड आता है और ये ब्लड यहाँ से निकलता है यहाँ से ये ब्लड निकल जाता है और आपका ये ब्लड जाता है लंग्स में ये ब्लड आपका जाएगा लंग्स में ठीक है उसके बाद ये लंग्स में लंग्स से ब्लड निकलता है तो लंग्स से ब्लड निकलने के बाद जो आपका ये वाला पार्ट है जिसको हम आप बोलते हैं एवोटा जिसको हम आप बोलते हैं एवोटा तो एवोटा से क्या होता है अब यहाँ पर आपका ये यहां पर देखिए पल्मोनरी वेन गिवेन है ठीक है पल्मोनरी वेन गिवेन है देखिए सभी आर्टरीज में सभी जितनी भी आर्टरीज़ होती है उसमें प्योर ब्लड होता है ठीक है लेकिन एक एवोटा ऐसा होता है जिसमें इम ब्लड होता है इसी तरह से सभी वेन्स में Impure blood होता है बट जो पल्मोनरी वेन होती है इसमें आपका पल्मोनरी जो वेन होती है में होता होता है that means oxygenated blood होता है तो यहां से ये यह ये ये जो pulmonary vein है, जो blood है, यह blood यहां से इंटर करके आपका चला आता है लेफ्ट ऑट्रियम में और लेफ्ट ऑट्रियम से निकलने के बाद लेफ्ट ऑट्रियम से निकलने के बाद लेफ्ट ऑट्रियम जो है अंदर अंदर खुलती यहां पे जो यह आर्टा दिया हुआ है इसी ऑरटा से पूरे ब्लड में यहाँ से अगर हम बात करें तो पूरे और बॉडी में यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है और बॉडी में यहाँ से ब्लड सप्लाई होने के बाद पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद यहाँ से फिर वापस चला आता है और आ करके हर्ट में आ जाता है तो इसी तरह से मतलब ये ब्लड पूरी बॉडी में घूमेगा घूमते 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 राइट ऑप्टेरियम में आएगा राइट ऑप्टेरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा राइट वेंट्रिकल से लंग लंग्स में जाएगा लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए बाई द पल्मोनरी वेन आपका लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ऑल्टा से होते हुए ये पूरी बॉडी में सप्लाई होगा ठीक है एक चीज और आता है कि जो हमारा ये हर्ट होता है ये बना होता है देखिए इक्टोडर्मली इक्टोडर्म मिजोडर्म और इक्टोडर्म मिजोडर्म और इंडोडर्म तीन तरह की लेयर होती हैं फीटस में जिससे अलग अलग पार्ट्स का डेवलपमेंट डिव, होता है तो जो आपका हर्ट है ये मीजोडर्बल डेवलपमेंट है जो आपका हर्ट है इसका डेवलपमेंट होता है मीजोडर्म लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है आपका मीजोडर्म की लेयर से ठीक है ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छा अब ये बात करते हैं कि हर्ट ये पंप कैसे करता है हर्ट की पंपिंग कैसे होती है देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जैसे आपका बात करें एस ए नोड एक तो ये हो गया एस ए नोड दूसरा आपका हो गया ए नोड तीसरा आपका हो गया बंडल ऑफ हिस ठीक है देखिए बंडल ऑफ हिस में क्या होता है कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड को मिला करके पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं ये जो ब्लैक कलर का हमने बनाया इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर और ये जब दोनों को मिला लेते हैं तो इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस बंडल ऑफ हिस अब ये जो आपका एस ए नोड है एस ए नोड को हम लोग क्या बोलते हैं यस ए नोड को बोलते हैं साइनो नोड साइनो ऑट्रियम नोड दूसरा आपका होता है एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दूसरा जो आपका होता है इसको बोलते हैं आट्रियो आट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तो ये जो आपका साइनो जो आपका होता है साइनो ऑट्रियल नोड यहां से क्या होता है कि इंपल्स जैसी जनरेट होती है एक इंपल्स जनरेट होती है और वो इंपल्स आती है आपकी ए बी नोड पर ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है एपी नोड में आती और ये एपी नोड क्या करती है कि पूरे जो आपका हर्ट होता है पूरे हर्ट में एक सप्लाई होती है और ये एक तरह की मसल होती है और इसी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से पूरा जो हर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है पूरा जो आपका हर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता चला जाता है तो इस तरह से हमारा जो बॉडी है आपका जो हर्ट है ये हर्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है इसीलिए हर्ट को हम लोग बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल इसीलिए इस हर्ट को बोला जाता है ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन मतलब इसको कोई चलाता नहीं है ये खुद चलता है ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन हमारी बॉडी में ये ऑटो एक्साइट वाला है या कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में कि इसको क्या बोलते हैं तो आई होप कि ये पार्ट अब आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा